چاند پہ داغ نہیں. اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کورٹ میں تو سب ہو جاتا ہے منٹوں میں. 2 روپے کا پیپر, 10 روپے کا پین اور 100 روپے کالے کبے کو دے دو, بس ہو گیا. مناس بات کرنا چاہوں, مناس میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنے آئی, بس اتنا بتانے آئی تھی کہ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہوں. میری ماں کو بھی رہنے شکر سے. آپ کو میری وفاؤں پر اتنا مان ہے تو اس چھپے ہوئے رشتے کو نام دے دیں. میرا تو اس معاشرے میں ایک ہی رشتہ کہلائے گا, راہیل کی بیوی ہونے کا. اور اس تالے کی چابی کبھی تو نے گھمائی یا کھولنے کی کوشش کی تو تو جانتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. میرا یہ رنگ روح تمہارے لیے تھا آفتاب چودھری, آخری بار تمہارے لیے تیار ہو کر آئی. تمہاری یہ مجال کہ تم مہناز کے ساتھ اپنا مقابلہ کرو, اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام دو, نہیں تو وہیں جا کر پھینکا ہوگا جہاں سے اٹھا کر لایا تھا. مانو بیٹا مجھے بھی چائے دے دے ادھر آ کے. وہ بیٹا جی یاد رکھ. بیٹا تم نے کیا سوچا اور کیا سمجھا ہے؟ چاچی دیکھو بیٹا, جو بھی فیصلہ کرو نا سوچ سمجھ کے کرنا. میری مانو کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں. بیوہ تو ہوں میں, لیکن بے سہارا مت کرنا مجھے. چاچی تم یہ سمجھو یہاں پہ کوئی نہیں ہے, صرف اپنے دل کی بتاؤ. میں معروف سے شادی کے لیے تیار ہوں. اے اللہ میرے بچے, تو نے تو مجھے نئی زندگی دے دی. اللہ تجھے خوش رکھے. مانو اپنی انگوٹھی اتار کے دے. ارے سوچ کیا رہی ہے, جلدی کرنا. Thank you.
तो सरकार जरा देख ही ले, आगे बड़ी सरकार को जवाब देना है। क्या से क्या हो गया है ना मानुमा, कहा मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही थी और अब कहा मेरा दुबई का वीजा लग गया। ए तोड़ना अम्मा, ए मस्तु, अम्मा को कहना छोड़िया तो। जा मेरी बच्ची, जा मेरे बड़े दिल वाली, लाके बहन को दे दे सब कुछ। लो बेटा, आज से मारुख तुम्हारी हो गई। जैसे मानो मुझे प्यारी है, वैसे ही माही भी मुझे बहुत प्यारी है। बस परसों आना और अपनी दुल्हन ले जाना। जहेज देने की हैसियत तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन इसके अब्बा हमें छोड़कर चले गए थे। फिर भी मैं अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजूंगी। बस अपनी चाची को एक दिन की मोहलत दे देना। नहीं चाची, जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब मैं लाया हूँ, यही जहेज़ और बरी समझ के रख लें। बस चाची, मुझे दुबई वापस जाना है, प्लीज़ जल्दी से शादी कर दें। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, सब जल्दी होगा। और जो तुम मिठाई लाए हो उससे हमारा मुंह मीठा कराओ जी, और ख़ुद भी मुंह मीठा करो। ये ले चाची।
सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी किनू जा मैं कवां हुण तेरे बिना माए नी सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी किनू जा मैं कवां हुण तेरे बिना माए नी अखियां रोण 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 नाम तेरा ले ले जिंदड़ी रोल रोल रोग लोग ला गई मैं सहले हाय केड़े पासे जावा कोई रात बखानी मायनी तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आ जा गल नल कहाँ गायब हो गई थी मानुमा? शादी की तारीख भी पक्की हो गई, इतनी सारी बातें हुई हैं और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। लो मिठाई खाओ। खाओ ना मानुमा, क्या मेरी खुशी में खुश नहीं होगी तुम? लो खाओ भाई। क्या से क्या हो गया है ना मानुमा, कहां मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां करी थी और अब कहां मेरा दुबई का वीजा लग गया। ये सब नसीब का खेल है मानुमा। हाँ हाँ जल्दी सो जाओ क्योंकि आज तुम्हारे पास नींद चुराने वाले की सोच जो नहीं है। आज तो मेरे पास और कहीं सोच है। अच्छा सुनो, मैं ना जाते ही तुम्हारे और अम्मा के लिए ना वीजा भेज दूंगी, तुम अम्मा को लेकर घूमने के लिए आ जाना। आओगी ना महानुमा? आऊंगी, जो जो कहता जाएगा मैं वो करती जाऊंगी। लो भाई हम तो चले सोने। कैसे सोचूं आपको राहिल, शर्म आती है, कैसी खुमार भरी नजरों से देखते हैं आप, बंदा खो सा जाता है। मामा अब क्यों रो रही हो? भाई यतीम हो गए हम, आए मार दिया हमारे सरकार को। अम्मा आपने दरवाजा इसलिए लॉक किया कि बाबा दादाजी को लेने गए हैं। वो लोग आएंगे, बेबे हमें घर से निकाल देगी। नहीं निकालेंगे, कोई नहीं निकालेगा हमें यहाँ से। तो देखो कितना खूबसूरत है ना। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। वाह मानो, आ देख तो सही राहिल कितना कुछ उठा के ले आया है दुबई से। भाई इतनी चमक धमक भरी में देखकर ना मेरी तो आंखें ही सहर हो गई। आ देख ना अम्मा, राहिल जूते तो लेकर आया नहीं,
अच्छा है, मैं खुद ही लेने चली जाऊंगी उनके साथ। अरे हाँ हाँ, चली जाना, जो जी चाहे करना। भाई राहिल तुम्हारा शोहर होगा, करती रहना अपनी मनमानी। मानो जा, अपने जहेज का सामान लाके इसमें रख दे। मैं राहिल से कह दूंगी कि सब कुछ मैंने दिया है, राहिल बुरा नहीं मानेगा। भाई मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना इसमें। हाँ बिल्कुल, अम्मा राहिल ने इतनी ईदें भी तो दी है मानो माँ को, ये सब काफी होगा जहेज के लिए। अरे हाँ, अब वो तेरे किस काम का सारा कुछ ले आ। जा मेरी बच्ची, जा मेरे बड़े दिल वाली, लाके बहन को दे दे सब कुछ। फिर देखना अल्लाह तुझे वहां से नवाजेगा जहां तेरी सोच भी नहीं गई होगी। जा मेरा बच्चा। ये चूड़िया खास तुम्हें सोच कर ली, मेरा नाम लेकर पहन ली। ए अम्मा, ए अम्मा आ, ए नाच अम्मा, ए नाच, खुशी का मौका है अम्मा, नाच। ए नाच तो सही, ठुमका तो लगा अम्मा, नाच। हे रो क्यों रही है ए मस्तू, हे देख तो सही, ऐसे लग रहा जैसे हमारी अम्मा को कोई रोग लग गया। हाय मत रो अम्मा, नहीं तो तेरा गंदा खून जम जाएगा। हाय अम्मा, ये कितनी हसीन चूड़ियां पहनी है तूने। हे मस्तू, ये देख तो सही, ये अम्मा ने कितनी हसीन चूड़ियां पहनी है, दिखा। क्या कहा था तूने, याद है ना, तू अपनी नफरत को आजमा और मैं अपने इश्क को आजमाऊंगी। ए सूली चढ़ गया तेरा इश्क, सूली अम्मा सूली। ए तोड़ना, ए तोड़ना अम्मा। ए मस्तू, अम्मा को कहना चूड़ियां तोड़। नहीं, हमारी अम्मा में इतनी हिम्मत नहीं है। चल ना, मैं तेरी मदद करूं अम्मा, तोड़ इन चूड़ियों को। ए अम्मा, ए तोड़ इन चूड़ियों को, तोड़। मानुमा बैठ मेरे पास, हम बातें करते हैं। मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया ना, मैं जानती हूं। तुझे किसी के साथ गिला हो या ना हो, मेरे साथ जरूर होगा। तेरा जोड़ तोड़ दिया, तुझे बिठा दिया, तुझ पे बोझ पे बोझ डालती रही, पर तेरे सर से नहीं उतरी। मुझे यकीन है मानुमा, तू बहुत भागों वाली है। तूने मेरी खिदमत करके माँ की जन्नत कमा ली है। ए मेरे अल्लाह, मेरे इन नाकारे कदमों की जन्नत मैं अपनी बेटी मानुमा को देती हूँ। है परवरदिगार, हमेशा मेरी बेटी को सुखी रखना, दुख छू के भी ना गुजरे, तख्त देना, बख्त देना। ये जिस तरह मेरी मानती आई है, ऐसे बड़े बड़े सर इसके मान में झुका देना। है मेरे परवरदिगार,
मेरी दुआ कबूल कर, आमीन सुमा आमीन। देखना मानो माँ, तेरे हक में मेरी मांगी हुई हर दुआ कबूलियत को पहुंचेगी, बस तू माँ को याद रखना। अम्मा। हाँ हाँ बोल, दिल खोल के बोल, हल्का कर ले, मैं जानती हूँ बेटा तेरे दिल पे क्या गुजर रही है। आप दुआएं ना दिया करें मुझे, कबूल तो वैसे भी नहीं होनी होती ना उन्होंने। एक बात पूछूं आपसे, आपकी सगी औलादी हूँ ना मैं, जिस माँ के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, जिस माँ के पाँव की जन्नत को पाने के लिए, वो जन्नत मेरी है भी या नहीं? चले खैर, जो होना था वो तो हो ही गया, बदल थोड़ी सकते हैं, पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं, इस दुनिया में अब आपके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, तो कम अज कम अब आप मुझे छोड़ के कभी ना चाहिएगा, तुमसे रहा नहीं जाएगा। नहीं बोल सकता जिस रात तूने मेरे बाप को दूध के गिलास में वो पुड़िया मिला के पिलाई थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कुछ तो ख्याल करो मानुमा, राहिल के नाम की मेहंदी लगवा ली है मैंने। जालिम है तू गैबाद, बड़े सरकार के टुकड़ों पर पला और उन्हीं के साथ ऐसा बुक्स है। बुक्स क्योंकि मैं वो रात नहीं भूल सकता जिस रात तूने मेरे बाप को दूध के गिलास में वो पुड़िया मिला के पिलाई थी। जो तुझे चौधरी आफ्ता तेरा संगी देखे क्या था, मैं वो रात नहीं भूल सकता। तड़प रहा था मेरा बाप, कैसे तेरी तरफ देख रहा था अम्मा, तूने तो एक दिन भी इंतजार नहीं किया, अगले दिन मुझे और मस्तू को लेकर आ गई हवेली अपने संगी के पास। आपने जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया। अच्छा किया।
मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि तुम हो इस काबिल कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। कहां पड़ी हुई थी उस कीचड़ में घुंगरू के साथ, अच्छा हुआ मर गया। चौधरी साहब मेरे बच्चे, और ये भी यहां पल जाएंगे। घुंगरू ने कौन सा इनको कलेक्टर बना, चला मेरे साथ। अम्मा, आती है तुम्हारी अम्मा, बैठो वहां। अम्मा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अम्मा मैंने कहा ना आती है, चलो बैठो वहां से, चलो। बड़ी सरकार का खा खा कर बड़ा हुआ है तू, भूल जा, भूल जा अपने गधे काड़ी वाले बाप को और अपना मुंह बंद कर। पेपे सरकार को पता चल गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करवा कर कुत्तों के आगे डलवा देगी। हे पेपे सरकार से पहले तू, तू हमें भूखे कुत्तों के आगे डाल चुकी है। हे पेपे सरकार क्या डालेगी, हे हम तो वो हैं जो जिंदा कुत्तों की खुराक बने, जिंदा। और कुत्ते भी जिनकी शक्लें इंसानों जैसी हैं, इंसानों जैसी। इस खुशी के मौके पर लगाना एक ठुमका। वस्तु एक ठुमका तो बनता है ना, ये लगाना एक ठुमका। सूली चढ़ गया इश्क अम्मा का। ये शख्स मुझे भुला दे मेरे को, ये अब मेरा है ही नहीं, तो मुझे दिखा भी मत। बस तेरी बहन हमेशा इसके साथ खुश रहे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो नहीं है मेरे पास, पर एक इंतजार जरूर करना चाहूंगी आपसे। मेरी बहन के साथ वो ना किएगा जो मेरे साथ किया।
दुख हो रहा है मालूमा? साहिर है, तुम शादी करके दूर जा रही हो तो दुख तो होगा ना। बात को पलटो मत मालूमा, सब देख चुकी हूँ मैं। तुम्हारा राहिल के करीब जाना अब इसकी क्या तुक बनती है? और तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? मतलब ये कि तुम शरबत के बहाने राहिल से बात करने गई, क्यों है ना? कुछ तो ख्याल करो मालूमा, राहिल के नाम की मेहंदी लगवा ली है मैंने, अब क्या मेरी शादी खराब करोगी? ऐसे बदला लोगी मुझसे? कम से कम ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती माही, पर ये बात तुम जानती हो। मैं ही नहीं मालूमा, सब यही समझेंगे। तुम राहिल से हटकर कुछ नहीं कर सकती क्या? उसने खुद तुम्हें छोड़कर मुझे चुना है, अब वो मुझसे शादी कर रहा है, तो मेहरबानी करके अपनी आंखों में पुरानी मोहब्बत भर के बार बार राहिल के सामने मत जाओ। अगर उसकी तवज्जो मुझ पर टिकी है तो टिकी रहने दो, ताकि हमारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। खराब करनी अंडरस्टैंडिंग।
एक रात में सास को मौत ने गले लगा दिया या फिर बेटी ने लगवा दिया। ए मस्तू, देखो सही, हमारी पेपे पे काला चोला कैसे जच रहा है। मारो बस, तुम अपनी बहन के लिए इस किस्म की बात कह रही हो? हनुमा ने चाची के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी हैं। दुल्हन को ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ और रवाना कर। आज तो मैं तुम्हें दम करने आया था कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। सुकून मिला ना मेरे दम करने से। ये मेरे दोनों हाथ हैं, वाहिद और तुम। तुम चाहते हो कि मेरा एक हाथ कट जाए? ठीक है ना, प्लीज थोड़ा सा। हाँ।